नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, कई ऐसी खबरें होती हैं जिन्हें बताते वक्त और जिन्हें पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। ऐसी ही एक खबर पंजाब के तरन तारण जिले से आ रही है, वहां के अमीशा गांव से आ रही है, जहाँ पर एक जवान आकाशदीप सिंह, जो कि जालंधर में पोस्टेड थे, इस वक्त मिलिट्री स्टेशन जालंधर में पोस्टेड थे और अपने घर जा रहे थे वो जालंधर से, इसी दौरान वो एक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं और जिसमें उनकी जान चली गई है। आपको बता दूं कि उनकी एक्सीडेंट में जान गई, उसके बाद जैसे ही उनके घर पर इस खबर को पता चला तो पूरे न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे इलाके में एक शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में जो परिजन थे उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और जिस वक्त अब जो जवान थे उनका पार्थिव देह, उनका पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो हर तरफ गम का माहौल था, क्योंकि एक परिवार का एक बेटा, जो जहां कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवार का एक सहारा जो था, वो इस तरीके से अचानक से जो उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसमें उन्होंने जान अपनी गवाई और उस तरीके से जो है उनके परिवार का एक तरीके से सहारा पूरा छिन गया। आपको बता दूं कि जो उनके उनके परिवार में वो अपने पीछे माता पिता और पत्नी को छोड़ गए हैं। जी हाँ, परिवार में तीन लोगों को छोड़ गए हैं और अब बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसे परिवारों को संभलना और आगे की ज़िंदगी को एक तरीके से संघर्षों के साथ काटना पड़ता है। मैंने कई सारे ऐसे परिवारों को देखा है जो कि जिन्हें इस तरीके की इस जवान के जाने के बाद बहुत सारे संघर्षों को से जूझना पड़ता है, सिर्फ कुछ अपने हकों और अधिकारों को पाने के लिए। आपको बता दूं कि जवान जो थे आकाशदीप, शहीद जवान जो आकाशदीप हैं, उनके गांव में, उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। देखना ये होगा कि सरकारें और जो प्रशासन है वो कब तक उनके साथ खड़ा रहता है और क्या क्या सुविधाएँ जो हैं उन्हें मुहैया कराता है, ताकि वो अब जो आने वाला समय है उससे लड़ सकें और जो आने वाली परिस्थितियां हैं उससे जूझ सकें और आने वाले समय में जो है वो अब अपने परिवार का कहीं ना कहीं पालन पोषण सही से कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान जो है वो परिवार को, शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय भारत। विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।